हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज फॉर यूजीसी नेट। प्रीवियस वीडियो में हमने इंटरनेशनल के टॉपिक के जो है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को किया था। इस वीडियो में जो है हम लोग रिकार्डियन कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी करने जा रहे हैं, और उसके साथ उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक, तो हम ये जो करने जा रहे हैं तो हम रिकार्डो की थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी कर लेते हैं, जो हमें एडम स्मिथ ने दिया था। एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग अगर कोई कंट्री जो है दो गुड प्रोड्यूस कर रही है और उसे एक में एब्सोल्यूट एडवांटेज है और दूसरे में डिसएडवांटेज है, और दूसरी कंट्री जो है उसे एक में एडवांटेज है दूसरे में डिसएडवांटेज है, तो वो दोनों आपस में ट्रेड करके जिसमें डिसएडवांटेज है उसे इम्पोर्ट करेंगे और जिसमें एडवांटेज है उसे एक्सपोर्ट करेंगे और ट्रेड से गेन करेंगे। ठीक, तो लेकिन एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में एडम स्मिथ ने ये बात नहीं बताई कि अगर दोनों एक कंट्री है उसे दोनों गुड में एडवांटेज है और दूसरी कंट्री को दोनों गुड में डिसएडवांटेज है तो वो कैसे ट्रेड से गेन करेंगे। ठीक, और ट्रेड में इंटर करेंगे। तो हम अब जा रहे हैं रिकार्डो को स्टार्ट करते हैं। तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिकार्डो वाज टू शो हाउ टू कंट्रीज कैन डिराइव गेन फ्रॉम ट्रेड इवन इफ वन कंट्री हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज एज कंपेयर टू अनदर कंट्री इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड। यानी रिकार्डो ने ये थ्योरी इस बारे में बताई हुई है कि दो कंट्री जिसमें से एक कंट्री को जो है कि दोनों गुड में जो है एडवांटेज है और दूसरी कंट्री में दोनों गुड में जो है डिसएडवांटेज है, तो वो किस तरीके से गेन करेंगे ट्रेड से उसके लिए। द क्वेश्चन देन अराइजेज वेदर इन अ सिचुएशन इन विच कंट्री एक्स प्रोड्यूसिंग ऑल गुड विद लेसर लेबर कॉस्ट। यानी कि जो है कि कंट्री एक्स है वो प्रोड्यूस कर रही है दोनों गुड को विद लेबर, जो कि कम लेबर में, और जो कि हमारा कंट्री वाई है वो जो गुड को प्रोड्यूस कर रही है वो दोनों गुड जो है ज़्यादा लेबर में यूज करती है वो। ठीक, यानी कि जो एक्स कंट्री है वो दोनों गुड के लिए लेबर कम यूज करती है, और जो है वाई कंट्री है वो दोनों गुड के लिए जो है वाई गुड के लिए ज़्यादा लेबर यूज करती है। ठीक, तो किस तरीके से वो दोनों कंट्री ट्रेड में आएंगे एक्स वाई और जो है कि गेन करेंगे ट्रेड से। ठीक, तो ये हमारे जो है कि रिकार्डो ने दो कंट्री का एग्जांपल लिया था, पुर्तगाल और इंग्लैंड, ये दोनों का एग्जांपल उन्होंने लिया था। तो यहाँ पे एक टेबल है। ठीक, यहाँ पे ये कंट्री है इंग्लैंड और पुर्तगाल, यहाँ पे लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन आवर्स है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। यहाँ पे वन यूनिट ऑफ क्लोथ को जो है प्रोड्यूस करने के लिए 100 यूनिट ऑफ लेबर लगते हैं, 100 लेबर लगते हैं इंग्लैंड के लिए, और एक यूनिट ऑफ वाइन को प्रोड्यूस करने में 120 यूनिट ऑफ लेबर लगते हैं। ठीक, इस तरीके से हमारे जो है 120 यूनिट ऑफ लेबर लगते हैं, और पुर्तगाल के लिए जो है एक यूनिट ऑफ क्लोथ को प्रोड्यूस करने में हमें जो है 90 यूनिट्स ऑफ लेबर लगते हैं, और जो है एक यूनिट ऑफ वाइन को प्रोड्यूस करने में पुर्तगाल के लिए 80 यूनिट ऑफ लेबर लगते हैं। ठीक, और अगर अपॉर्चुनिटी कास्ट की बात करें हम दोनों की, तो अगर एक यूनिट ऑफ क्लोथ की अपॉर्चुनिटी कास्ट के लिए हमें जो है 100 / 120 करते हैं तो हमें जो है क्लोथ की अपॉर्चुनिटी कास्ट निकल जाती है, और अगर वाइन की अपॉर्चुनिटी कास्ट की बात करते हैं तो हम वाइन के लेबर डिवाइडेड बाई क्लोथ के लेबर की बात करते हैं तो हमें जो है अपॉर्चुनिटी कास्ट उसकी निकल जाती है। उसी तरह पुर्तगाल के लिए क्लोथ डिवाइडेड बाई वाइन तो ये आ जाएगा और यहाँ पर ये वाइन है। तो आप जो है कि लेबर कास्ट के वाले को देखेंगे तो आपको इससे नहीं पता चलेगा, क्योंकि इससे पता चलता है कि उसे दोनों में डिसएडवांटेज है, इसके दोनों में एडवांटेज है। ठीक, पुर्तगाल को दोनों में एडवांटेज है और इंग्लैंड को दोनों में डिसएडवांटेज है। ठीक, लेकिन अगर आप इस अपॉर्चुनिटी कास्ट वाले डायग्राम को देख लेते हैं तो आपको ये पता चलता है कि इंग्लैंड को जो है क्लोथ में एडवांटेज है और जो है पुर्तगाल को जो है एज कंपेयर टू क्लोथ इसे जो है वाइन में एडवांटेज है, और ये वन यूनिट ऑफ वाइन 1.2 में करता है और ये वन यूनिट ऑफ क्लोथ 1.112 में करता है। तो ये जो है अपना क्लोथ एक्सपोर्ट करेगा और ये जो है वाइन एक्सपोर्ट करेगा। ठीक, यानी ये वाइन एक्सपोर्ट करेगा और क्लोथ को इम्पोर्ट करेगा, और ये जो है इंग्लैंड है वो क्लोथ को एक्सपोर्ट करेगा वाइन को इम्पोर्ट करेगा। ठीक, तो अब हम जो है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि द कंट्री प्रोड्यूस टू गुड विज वाइन एंड क्लोथ। दोनों कंट्री जो है दो गुड को प्रोड्यूस करते हैं वाइन और क्लोथ,
Portugal was assumed to be using lesser unit of labor in producing not only cloth but also wine. तो हमने टेबल में देखा कि पुर्तगाल जो है कि वाइन के लिए और जो है कि क्लोथ्स के लिए जो है लेस यूनिट ऑफ लेबर यूज करता है और इंग्लैंड जो है ज़्यादा यूज करता है. ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि द फर्स्ट टू कॉलम ऑफ टेबल 1.1 शोज दैट द कास्ट कंडीशन इन द टू कंट्रीज वेयर इट इज़ क्लियर. जहाँ पे हमने देख लिया कि ये अपॉर्चुनिटी कास्ट है, ये लेबर कास्ट है, इससे देख के ये क्लियर हो जाता है कि हमारे पुर्तगाल को दोनों, जो पुर्तगाल कंट्री है वो दोनों वाइन और क्लोथ को जो है लेसर लेबर में यूज कर रही है, यानी लेबर को कम यूज कर रही है प्रोड्यूस करने में, और जो है हमारी इंग्लैंड है वो जो है दोनों के लिए प्रोड्यूस करने में दोनों गुट को वो ज़्यादा यूनिट ऑफ लेबर यूज कर रही है. ठीक, लेकिन ये अराइज होता है कि अब जब पुर्तगाल को दोनों में एडवांटेज है और जो है पुर्तगाल को जो है दोनों चीज़ों में एडवांटेज है और इंग्लैंड को दोनों चीज़ों में डिसएडवांटेज है, तो वो जो है कि किस, तो वो किस तरीके से जो है गेन करेंगे ट्रेड में और किस तरीके से ट्रेड इंटर करेंगे और किस गुड को जो है एक्सपोर्ट करेंगे, किस तरीके का किस गुड को जो है इंपोर्ट करेंगे, ये उनका ये क्वेश्चन था. ठीक, तो अगर जो है कि हम लेबर कास्ट को देखते हैं तो वहाँ से हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम उनकी अपॉर्चुनिटी कास्ट को निकालते हैं, जो इधर वाला टेबल है आपको, ये वाला पोर्शन जो मैंने आपको समझाया, अगर हम अपॉर्चुनिटी कास्ट को निकाल लेते हैं तो हमें अच्छे से पता चल जाता है कि कौन सा हम एक्सपोर्ट करेंगे और कौन सा हम इम्पोर्ट करेंगे. ठीक, और क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि जैसे कि कंपैरेटिव एडवांटेज पुर्तगाल को वाइन में है और इंग्लैंड को क्लोथ्स में है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया. देखिए, क्लोथ्स में इसको है, यहाँ पे जो वाइन में इसको है, इसलिए वाइन वो पुर्तगाल एक्सपोर्ट करेगा और क्लोथ जो है एक्सपोर्ट करेगा हमारा इंग्लैंड. द अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ अ गुड एज डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ अनदर गुड. तो हमारा जो है कि अपॉर्चुनिटी कास्ट जो है डिफाइन किया जाता है अमाउंट ऑफ अनदर, यानी दूसरे गुड, यानी कि अगर हमें वाइन का निकालना है तो उससे डिवाइड करते हैं क्लोथ्स को, अगर क्लोथ का करना है तो वाइन से डिवाइड करेंगे. दैट हैज़ टू बी गिवन अप इन ऑर्डर टू द प्रोड्यूस एन रेशनल यूनिट ऑफ ए. ठीक, हमें एक यूनिट ऑफ ए को प्रोड्यूस करने के लिए जो है कि हम बी की कितनी हमें गिव अप करना होता है, या बी की एक यूनिट एडिशनल हमें प्रोड्यूस करने के लिए ए का कितना गिव अप करना होता है, ये हमारा अपॉर्चुनिटी कास्ट बताता है, जो कि हमारे टेबल में हमने देख लिया. ठीक, द अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वाइन एंड क्लोथ्स इन इंग्लैंड एंड पुर्तगाल आर लोअर. तो हमारा जो है कि पुर्तगाल के लिए वाइन की जो अपॉर्चुनिटी कास्ट है वो लोअर है और इंग्लैंड के लिए जो है हमारी क्लोथ्स की अपॉर्चुनिटी कास्ट लोअर है. ठीक, इसलिए जो है इंग्लैंड हमारा जो है क्लोथ्स को प्रोड्यूस करेगा और उसको एक्सपोर्ट करेगा पुर्तगाल को, और पुर्तगाल जो है हमारा वाइन को एक्सपोर्ट करेगा और प्रोड्यूस करेगा जो है एक्सपोर्ट करेगा इंग्लैंड को. ठीक, अब जो है कि हमने ये एग्जांपल देख लिया और हमने जो है कि उसके अपॉर्चुनिटी कास्ट को भी देख लिया, और यहीं पे यहाँ पे सेम उसने बताया है अपॉर्चुनिटी कास्ट का कि कैसे हमने जो है, देखिए यहाँ पे द लोअर अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ टू कंट्रीज इज प्रोड्यूसिंग वाइन. पुर्तगाल को जो वाइन में है, तो जो हमने वाइन डिवाइडेड बाई क्लोथ करके निकाला एज कम्पेयर टू इंग्लैंड का, ये है 1.2, आप ये यहाँ पे देख सकते हैं 0.89 हमारा जो है पुर्तगाल का है, 1.2 वाइन का उसका इंग्लैंड का है, यहाँ पे क्लोथ का ये इसमें एडवांटेज है उसको अपॉर्चुनिटी कास्ट में, और यहाँ पे 1.112 जो है पुर्तगाल का है. ठीक, तो हमने यहाँ पे देख लिया ये इंग्लैंड का एज कम्पेयर टू है, और इंग्लैंड के क्लोथ का 0.83 एज कम्पेयर टू पुर्तगाल 1.12. देन पुर्तगाल हैज़ अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइन एंड इंग्लैंड हैज़ अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ. तो जो है वो क्लोथ को एक्सपोर्ट करेगा और ये जो है उसको एक्सपोर्ट करेगा, और ये जो है कि हमारे जो है कि कंपैरेटिव एडवांटेज के डिफिनेशन में आ गया, यानी अ कंट्री हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग अ गुड इफ द अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ द गुड हैज प्रोड्यूसिंग दैट गुड इज लोअर एट होम दैन द फॉरेनर कंट्री. यानी कि हमारा जो कंपैरेटिव एडवांटेज ये बताता है कि एक कंट्री को जो है कंपैरेटिव एडवांटेज उस गुड में है जिसमें उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट लोअर होती है, दूसरे गुड, दूसरे फॉरेन कंट्री के गुड से उससे अपॉर्चुनिटी कास्ट लोअर होती है. जैसे हम पुर्तगाल और इंग्लैंड के गुड का देखेंगे तो पुर्तगाल को क्लोथ में जो है कि अपॉर्चुनिटी कास्ट उसकी ज़्यादा है और जो है वाइन में कम है, और अगर हम इंग्लैंड का देखेंगे तो इंग्लैंड का जो है अपॉर्चुनिटी कास्ट क्लोथ में जो है कम है और वाइन में ज़्यादा है.
पुर्तगाल इसीलिए जो है वाइन जो है एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसे जो है इंग्लैंड के कंपैरिजन करते, इसीलिए पुर्तगाल जो है इंग्लैंड को जो है वाइन एक्सपोर्ट करेगा और उससे जो है इंपोर्ट करेगा क्लोथ, और जो है हमारी जो इंग्लैंड है वो पुर्तगाल को एक्सपोर्ट करेगी क्लोथ और इंपोर्ट करेगी वाइन। इट्स नीड्स टू बी हाईलाइटेड दैट द डिफरेंस इन अ पॉजिटिव कास्ट बिटवीन टू कंट्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द सेम गुड और द प्रजेंस ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज इन वन कंट्री विच अनदर अराइज ड्यू टू टेक्निकल डिफरेंसेज। यानी कि एक कंट्री, क्योंकि दोनों ही लेबर यूज करते हैं, क्योंकि दोनों ही कंट्री लेबर को ही यूज कर रहे हैं और जो है कि दोनों ही सेम गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उन दोनों में जो है कि लेबर कम यूज हो रहा है और किसी में लेबर ज़्यादा यूज हो रहा है, यानी कि किसी को अपॉर्चुनिटी कास्ट या कंपेरेटिव एडवांटेज है, वो उसकी वजह जो है हमारी टेक्निकल डिफरेंस है, यानी एक की टेक्निकल एडवांसमेंट ज़्यादा है, दूसरे की टेक्निकल एडवांसमेंट कम है। ठीक, तो अगर जो है आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।